गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये आज हम जो है टॉपिक जो है कोनी सेक्शन डायमेंशन ज्योमेट्री के में इलिप्स का वो करते हैं, क्या करते हैं, स्टार्टिंग इलिप्स, स्टार्टिंग ऐसे करते हैं इलिप्स। इलिप्स द इलिप्स क्या है, द इलिप्स इज द पॉइंट सच दैट द डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड ए फिक्स्ड लाइन इज कॉन्स्टेंट। एक फिक्स्ड पॉइंट से, फिक्स्ड पॉइंट का मतलब फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट का मतलब फोकस एंड फिक्स्ड लाइन का मतलब डायरेक्ट्रिक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन द फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट फोकस एंड ए फिक्स्ड लाइन, फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस इज कॉल्ड टू द डायरेक्ट्रिक्स, इज कॉल्ड इलिप्स एंड ई इज लेस देन वन, ई इज ऑलवेज लेस देन वन इफ पी एफ अपॉन पी एम इज लेस देन वन, पी एफ पी एम इज इक्वल टू ई, पी एफ इज इक्वल टू पी एम इज इक्वल टू ई होता है, और ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू कितनी है, ई लेस देन वन, ई इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी, ई इज कॉल्ड द इसेंट्रिसिटी, E is belongs to 0 to 1. Ellipse is a figure which have the distance between the distance from a fixed point and the from the fifth line and from a fifth line, fifth line the ratio with the ratio of the fifth point and the distance from the fifth line is always equal to E, E is always less than 1, E belongs to 0, 1, that is called to the ellipse, If there are 4 ellipse, let alpha beta is the point and the line is Lx plus My plus N is equal to 0. For an ellipse, if there are alpha beta is the locus, alpha beta is the focus, and ये तो क्या है, ये focus के coordinate है, और ये क्या है, एक line के ये directrix line के equation है, ये क्या है, focus की line है, ये क्या है, focus की line है, for the ellipse we have PS is equal to EPM. PS is equal to EPM. तो PS is equal to EPM क्या जाएगा ये? मान ले इलिप्स दैट इज इस शक्ल का होता है, ये इलिप्स है, ये दैट इज द इलिप्स, दैट इज द ellipse, that is the ellipse. We have this, again if this point is alpha beta and a point here is the P point P P is XY, it is the coordinate here. It is the line Lx plus My plus N is equal to 0. क्या जाएगा? Lx plus My plus N is equal to 0. ये क्या जाएगा? Lx plus My plus N is equal to 0. ये क्या जाएगा? ये
ये पी एक्स क्या जाएगा, एक्स माइनस एल्फा का स्क्वायर क्या जाएगा यहाँ पे, एक्स माइनस एल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर, ये तो इसकी डिस्टेंस आ जाएगी। और इसके ये क्या जाएगा, ये डायरेक्ट इसके साथ परपेंडिकुलर क्या जाएगा, ये एल्फा एल एक्स प्लस एम वाई क्या जाएगा, ये एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन अपॉन एल स्क्वायर प्लस के एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। और ये था पी एस इज इक्वल टू ई पी एम, देखिए पी एस इज इक्वल टू ई पी एम ये आ गया। अगर मान लीजिए इसको समीकरण को मैं लिखना हो, इसकी इस इक्वेशन को लिखना हो, ठीक है क्या लिख सकता हूं मैं, ये क्या आ जाएगा, x माइनस एल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू ई एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन अपॉन एल का स्क्वायर प्लस के एम का स्क्वायर, ये इसका रूट आ जाएगा ये। अब इसकी अगर इसको सोल्व करके जनरल इक्वेशन भी आ सकती है, जनरल इक्वेशन दैट इज वी हैव सच दैट टाइप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, दैट इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन। फ्रॉम दिस वी हैव इफ फॉर इलिप्स इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन जीरो, फॉर इलिप्स एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन जीरो एंड डेल्टा मीन्स ए बी सी प्लस टू एफ जी एच प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर इलिप्स दैट इज। देखो ये कोई इक्वेशन, ये पी एस इक्वल टू पी एम सी, ये कोई इक्वेशन आ गई थी, इसको सोल्व करके मान ले ये एक जनरल इक्वेशन आ जाएगी इस तरह की, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी, ये वी गेट फॉर द लिप द कंडीशन इज एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो एंड ई इज लेस देन वन, देन फॉर डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी माइनस सी एच स्क्वायर, इट विल द कंडीशन सेटिस्फाई फॉर द इलिप्स, इट इज द कंडीशन फॉर द इलिप्स। It is observed from the graph that the ellipse will be a closed curve. Ellipse kaisa hai? Ellipse will be a closed curve. Ellipse kaisa hoga? Pehle ellipse will be a closed curve and the ellipse condition for the general equation h square minus ab is less than 0 and delta is equal to abc plus 2fgh minus af square minus b square minus सी एच स्क्वायर इज नॉट लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है बात सुनो। द लाइन फ्रॉम विच द पाथर फोकस, ए लाइन फ्रॉम विच द पाथर फोकस आगे जाते हैं, ए लाइन विच पासेस फ्रॉम द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड टू द मेजर एक्सेस, इज कॉल्ड टू द मेजर एक्सेस। A line क्या गया, A line which is passes to the focus and they are perpendicular to the directrix is called to the major axis, is called to the major axis. Major axis is focal axis. Major axis is focal axis.
in this figure we have, it is clear the major axis will be the longest chord. Major axis will be to the longest chord. Major axis will be to the longest chord. Major will be to the longest chord. It is clear from the figure that the graph is symmetry from the about the major axis. Ellipse is the symmetric about the major axis. Ellipse is symmetry about major axis. About major axis. And in the ellipse is a, first we have ellipse is a closed curve figure. Here major axis a which is passes to the focus and is perpendicular to the directive. Second is major axis is the longest chord. Major axis is the that is the longest chord and ellipse is the symmetry hai ye. Ye thoda figure mein se ban gaya symmetry hai. Bilkul hai jaise upar hai aise hi niche hai. Symmetry hai, symmetry about the major axis. Major axis. Symmetry hai is to the major axis. Theek hai bhaiya? Now another we have the axis, it is called to the minor axis. Another axis, there are a axis, another axis is called to the minor axis. Minor axis is which axis to bisect to the major axis. Here it means if we have A dash A is the major axis. Minor axis is AA. Minor axis is it is the minor axis. It is B if we have the BB dash. If BB dash bisect perpendicular bisect to AA dash. In minor axis, yeah, perpendicular bisects to AA dash. Minor axis is BB dash. Perpendicular bisects to AA dash. And both the axis means major X and minor axis called this point is called to the center. Intersection of both axes called center. That is the major axis and minor axis at point intersect at this point is called to the center and denoted by C. If C, that is called to the center. Here I is the symmetry, that is the U dash, F dash, and it is also the S. It is also to the S. F means this alphabet. S, F dash, and C. In this figure, we have CF is equal to CF dash
and this it is clear from C. It means L. L is here, L dash here. It means C L and is equal to C L dash. C L is equal to C L dash. C L is equal to C L dash. It means PS and PS dash are called PS and PL dash called focal radius of a point P. FP and S dash P are called focal radius of a point P. Here FP and S dash P are called the focal radius of a point P. If the directrix perpendicular is PM and is equal to PM dash, PM is equal to PM dash. Any FP, any FP and FP dash, it means we have ये आ गया भाई संजय minor axis भी आ गया. इसे minor axis जो major axis को bisect करता है, perpendicular bisect करता है. फिर क्या है, जहाँ ये दोनों chords दिए हैं, that is called the center, that is called the यानी CF is equal to CF dash is equal to कहलाता है, and SP is called to the SP and FP dash is called the focal radius of a point P. SP and dash DP dash the focal radius of a P. Now अब आगे it means यानी कि SP plus FP dash S dash P and SP plus FP dash is equal to major axis, is equal to major axis. Any sum of two focal radius of a variable on a point, sum of two focal radius will be to the major axis. Sum of is equal to constant. In the sum of two focal radius will be constant, which will be equal to the major axis, which will be to the constant. We can say the sum of two focal radius means FP and FP dash are called, will be sum equal to the constant, and constant will be to the major axis. If in a triangle, अच्छा याद है समझे? अब देखो एक और की definition देखते हैं, another definition of a ellipse, another definition क्या आ गई? If in this figure we have FF dash is fixed there and variable vertex P move in a such way that the distance between any point will be to the same.
या ये कह दो द पॉइंट पी इज मूव इन अ सच वे दैट द पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल विल बी कॉन्स्टेंट. द पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल विल बी कॉन्स्टेंट. द पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल विल बी कॉन्स्टेंट. यानी कि वर्ट पी मूव वर्टेक्स मूव इन सच अ वे दैट इन पी मूव इन ए सच वे दैट द पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉन्स्टेंट. द पैरामीटर of a triangle is constant. The triangle of a parameter is constant. And this is अच्छा ये इसकी दोनों ये दूसरी डेफिनेशन हो गई. अब आगे लैटिस रेक्टम इज द डबल ऑर्डिनेट थ्रू द फोकस. लैटिस रेक्टम इज नॉट इज सच ए वे दैट इट इज द डबल ऑर्डिनेट टू पास टू द फोकस दैट इज पी पी डैश हेयर क्यू क्यू डैश. Lattice rectum is the double ordinate of the focus which is in the conic section always the lattice rectum is the double ordinate of the double ordinate through the focus. क्या होता है डबल ऑर्डिनेट through the focus. Here are two lattice rectum is PP dash and the QQ dash. There are two coordinates, two lattice rectum PP dash and QQ dash. Means PP dash is equal to QQ dash is equal to PP dash. PP dash is nothing. Here is QQ dash nothing. It is multiplied to S into P. Nothing to multiply S into P. It is not something to multiply S into P. S to SP. 2 into multiply PSP. We have four values. PS is equal to PM is equal to E. So PS is equal to EPM. We have PS is equal to PM. For this, we have value 2 multiply E multiply PM. 2 multiply E. To multiply PM. PM means distance here. PM means distance PM means distance from the क्या PM means distance ये अब क्या हो गया ये छोटा भी PM means distance to EPM इनकी P the letter rectum is equal to 2 multiply E multiply P multiply M. Multiply E multiply PM. That is called the lattice rectum. आगे बढ़े भाई. अब एक क्वेश्चन लगाते हैं इसके पास एक सिंपल सा. क्या क्वेश्चन है ये? If
base BC, base BC of a triangle, ABC is fixed. ABC is fixed. If ABC of a triangle ABC is fixed and opposite vertex A and opposite vertex A, a base BC of a triangle BC, base BC of a triangle ABC is fixed and opposite vertex A moves in a such way that moves in such a way that tan B by 2 tan C by 2 is constant. क्या है? Tan B by 2 tan C by 2 is equal to constant. Tan B by 2 tan C by 2 is equal to constant. Then prove that the latex vertex of A is ellipse. Prove that the locus of a vertex if A is ellipse. Prove that. Find the prove that you have to prove that locus of a vertex is ellipse. Locus base BC of the triangle ABC is fixed and the opposite vertex of a move in such a way that the tan B by 2 tan C by 2 is equal to constant. So the given at tan B by 2 is equal to tan C by 2 is equal to constant with lambda. Tan B by 2 ka dekho, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है. ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आप करो या ना करो ये आपके ऊपर है, लेकिन इसके फॉर्मूले कंपलसरी हर बच्चे के याद होने चाहिए. बगैर इसके जो है ये कहीं भी बीच में आ जाते हैं. जैसे ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बीच ही आ गए हैं. ये ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं उनके फॉर्मूले हमेशा याद होने चाहिए. जैसे टेन बी वाई टू का पीछे फॉर्मूले में पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था? F minus B F minus A upon AB is equal to lambda. इन दोनों में क्या देखता हूं मैं? दोनों में जो है F minus A common है, F माइनस ए भी कॉमन है और F माइनस A अपॉन A. यानी क्या आ गया? लेट F माइनस A अपॉन A इज इक्वल टू लैम्डा. ये क्या मान लिया मैंने? ये दोनों में F माइनस A A है, ये F माइनस A A इज इक्वल टू क्या आ गया? लैम्डा. अब इसमें कंपेंडो एंड डिवेंडो लगा देंगे. F माइनस ए इज इक्वल टू आ गया अपॉन एफ. क्या मान लेंगे इसका? अपॉन एफ.
अपॉन एफ। ये क्या आ जाएगा, एफ माइनस वन प्लस लैम्डा वन माइनस लैम्डा, ये क्या आएगा एफ माइनस एफ प्लस एस और वन माइनस एफ माइनस एफ माइनस ए, एफ माइनस ए प्लस एफ क्या आएगा, एफ माइनस ए प्लस एफ इक्वल टू एफ माइनस एफ माइनस ए, एफ से एफ जाएगा क्या आएगा टू एफ माइनस ए, एफ से एफ जाएगा अपॉन ए इक्वल टू वन प्लस लैम्डा अपॉन वन माइनस लैम्डा, टू एफ में से क्या आएगा, टू एफ की वैल्यू क्या आती है ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए अपॉन ए इक्वल टू वन प्लस लैम्डा अपॉन वन माइनस लैम्डा, इस लैम्डा से लैम्डा जाएगा क्या b प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू वन प्लस लैम्डा अपॉन वन माइनस लैम्डा, क्या अगर b अपॉन सी इक्वल टू वन प्लस लैम्डा या लैम्डा प्लस वन अपॉन लैम्डा माइनस वन, या b प्लस सी इक्वल टू a इक्वल टू वन प्लस लैम्डा अपॉन वन माइनस लैम्डा, इट इज द वन प्लस लैम्डा अपॉन वन लैम्डा इज कॉन्स्टेंट इज ऑल्सो इज कॉन्स्टेंट, तो हैंस बी प्लस सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हैंस बी द सम, इसका मतलब क्या आ गया, सम ऑफ टू क्या हो गया, सम ऑफ टू डिस्टेंस ऑफ ए वेरिएबल फ्रॉम ए पॉइंट पी फ्रॉम द पॉइंट ए, यानी ए से ये कोई है ना, ये ए से ये ट्राइंगल है, ये ए बी सी, ए का ए बी का बी सी का सी, द सम ऑफ डिस्टेंस वेरिएबल फ्रॉम ए पॉइंट ए फ्रॉम द गिवन फिक्स्ड पॉइंट बी एंड सी इज कॉन्स्टेंट देन द, यानी दो पॉइंट से फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट से इनकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, हमेशा कॉन्स्टेंट है, दैट इज वी एल, बताया था ना अभी, द सम हमेशा दो समूह का उसका कॉन्स्टेंट होता है, फिक्स पॉइंट से सम ऑफ डिस्टेंस का, फिक्स पॉइंट से जो फिक्स पॉइंट क्या है ए से इन दोनों जो डिस्टेंस है, यानी बी प्लस सी कॉन्स्टेंट देन हैव व्हिच हैव द फिगर इज इलिप्स, दैट इज कॉल्ड टू द इलिप्स, जैसे एक और क्वेश्चन है देखे लगाते हैं, एक और क्वेश्चन, इफ इफ वी हैव If the equation phi x minus 1, if the equation phi x minus 1 का whole square plus phi y minus 2 का whole square is equal to plus phi minus 2 का whole square is equal to, if the equation phi x minus 1 का square plus phi minus lambda square minus 2 lambda plus 1, lambda का square minus 2 lambda plus 1, लैम्डा का स्क्वायर माइनस टू लैम्डा प्लस वन, थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस वन का होल स्क्वायर, थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस वन का होल स्क्वायर, थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस वन का होल स्क्वायर रिप्रेजेंट एन इलिप्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, इफ द इक्वेशन फाइव एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस फाइव माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर माइनस टू लैम्डा प्लस वन, थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस वन स्क्वायर रिप्रेजेंट एन इलिप्स,
find the value of lambda. देखो भाई इसे क्या कर सकता हूँ, इन दोनों में से जो है फाइव कॉमन ले लूँ, क्या कॉमन ले लूँ इन दोनों में से, गिवन इक्वेशन है ये, क्या इक्वेशन, फाइव एक्स माइनस का होल स्क्वायर प्लस फाइव माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा का स्क्वायर माइनस टू लैम्डा प्लस वन, ये क्या गया थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस वन का होल स्क्वायर, इसे क्या गया ये फाइव दोनों में से कॉमन लिया, ट्वेंटी फाइव एक्स माइनस वन अपॉन फाइव का होल स्क्वायर वाई माइनस टू अपॉन फाइव का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा का स्क्वायर माइनस टू लैम्डा, यानी कि लैम्डा माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस वन अपॉन ट्वेंटी फाइव का होल स्क्वायर, इट मीन्स वी कैन, ये ट्वेंटी फाइव को धर लिख देंगे भैया कॉमन लेके, ये क्या मतलब आगे एक्स माइनस वन अपॉन फाइव का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू अपॉन फाइव का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा माइनस वन का होल स्क्वायर थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन थ्री का स्क्वायर प्लस के फोर का, ये क्या आ गया थ्री का स्क्वायर प्लस के फोर का स्क्वायर, इट मीन्स वी हैव, इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन एक पॉइंट मुझे जो फिफ्थ पॉइंट है एक्स वाई से बिटवीन वन फाइव और टू बाई फाइव, द डिस्टेंस बिटवीन वन फाइव एंड टू पॉइंट फाइव, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज द डायरेक्टिव फ्रॉम द, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पी दैट डायरेक्ट इज थ्री एक्स प्लस फोर वाई, डायरेक्टिव कितना है, डायरेक्टिव इज थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस के वन, इट इज है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट मीन्स वी हैव, इट मीन्स वी हैव पी एस इज इक्वल टू ई पी एम, पी एस इज इक्वल टू पी एम बट E lies between 0 to 1. PS is equal to EPM and E belongs to 1 to 1. It means E, yani PS is equal to EPM. Yani PS is equal to EPM. E. E means lambda minus 1. 0 belongs to lambda minus 1 belongs to 1. यानी कि ई क्या लिखा है, जीरो बिलोंग्स टू लैम्डा माइनस वन बिलोंग टू वन, हैंस वी हैव, इधर आ गया क्या जाएगा, इधर आ गया प्लस वन आ जाएगा, लैम्डा लेस देन टू, क्या आ गया लैम्डा, लैम्डा लेस देन टू, लैम्डा विल नॉट बी इक्वल टू वन, लैम्डा बिकॉज इट विल बी जीरो, हैंस लैम्डा इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन द lambda belongs to 0 to minus 1, 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 यानी कि लैम्डा की वैल्यू कहाँ से कहाँ देगी, आ जाए ना यहाँ लैम्डा इज इक्वल टू जीरो टू, जीरो से ये भाई आगे यहाँ से लैम्डा, यानी लैम्डा माइनस वन से क्या आएगा लैम्डा लेस देन टू, लैम्डा की वैल्यू क्या जीरो टू, और जितना वन नहीं हो सकता, लैम्डा विल नॉट बी इक्वल टू वन, हैंस लैम्डा बिलोंग्स टू जीरो टू माइनस के वन, जो लैम्डा वन में नहीं होगा,
it is the ellipse, it is the equation of the of a ellipse in different form. क्या आएगा? Equation of a ellipse in different form. Equation of an ellipse in different form, it is called let it is the focus, it is all to the focus if it is c comma 0 minus c comma 0. O is the center. P is the x1 y1. P is the x1, xy. P is the xy. P is the xy. It is the major axis. Here is the major axis. It is to the major axis. Major axis is A1, A2. Minor axis. B1, B2. Focus is F1, F2. Focus is F1, F2. Focus is F1, F2. Let focus is C comma 0 minus C comma 0, and this equation is it means 0 comma B, it means 0 comma minus B, 0 comma minus B. It means that at x is equal to minus A upon E is equal to x upon A upon E. It means x is equal to minus A upon E is equal to that equation, x is equal to 1 upon A. That is means L, and if K means L dash, it means the equation of the x square upon a square plus y square upon a square minus c square is equal to 1. X, y is equal to क्या जाता है? A square upon a square minus c square is equal to 1. Where
a square minus c square, if a square minus c square is equal to b square o, and b is less than 1, and b is greater than 1, and b will be is greater than 1, mean a is greater than b is greater than a is greater than b, a is greater than, then we have the equation of the leaf x square upon a square plus y square, x square upon a square plus k y square upon b square. It is called to the equation of the ellipse, equation of the ellipse intersect which at the y axis, ye kaun sa ho gaya, ye axis ho gaya, ye y axis ho gaya, at the point 0 b and 0 comma 0 minus b, is any x square upon y square upon b square is a ellipse such that type a is greater than b, which the ellipse intersect y at the axis of y, at the y axis of the coordinate 0 b and 0 minus b, and the equation of directrix is equal to x upon a upon e and x is equal to minus a upon e. The equation of the directrix, equation of directrix is equal to x is equal to plus minus a upon e. Equation of directrix is equal to x is equal to plus minus a upon e. And we have in this thing, we have C is equal to AE, C is equal to AE, C is equal to AE. In this, we have CE, C is equal to A upon E. C is equal to, C is means A is equal to CE, A is equal to CE, C is equal to AE is equal to CE. Distance from the center of the focus, distance from the center of the focus upon distance is equal to क्या होता है, ए क्या होता है, ई इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ए, पहले तो बोलिए सी इज इक्वल टू ए ई, ई इज इक्वल टू सी अपोन ए, ई इज इक्वल टू सी अपोन ए, यानी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस of the focus, distance from the distance from the center to the focus, distance from the vertex, E is equal to kya ho gaya, C upon A aa gaya, ye E is equal to C upon A. If E approach to zero, ये E है, E कहाँ जा रही है, approach to zero. If E, ये E है, E approach to zero, then the focus will be moved to the towards the center, towards the center. Then focus move toward the center. ये जो foci है, ये जहाँ गया है center की तरफ move. Then foci move toward the center. From this ellipse get thicker, tends to become circle. ये ellipse जो है becomes एक जो है लगभग जो है circle जैसा जगह. एकम जो है
क्या जाएगा आ जाएगा, एक दैट इलिप्स बिकम टू ए सर्किट, बिकम जैसा सर्किट जैसा हो जाएगा। इफ ई अप्रोच टू वन, इफ ई अप्रोच टू वन देन फोकी मूव्स टूवर्ड्स द वर्टेक्स, टूवर्ड द वर्टिसेस एंड इलिप्स गेट थिनर टेंड टू बिकम ए लाइन सेगमेंट, टू बिकम ए इसमें क्या जाएगा बिगर लाइक ए सर्कल, इट बिकम ए लाइक सेगमेंट, लाइक सेगमेंट ए लाइन। और इसमें क्या है, इसमें टू फोकस टू मेक टूवर्ड द सेंटर, टूवर्ड द वर्टेक्स, क्या मतलब हो गया टूवर्ड द वर्टेक्स अच्छा अब देखो क्या आ गया था अभी, E इज इक्वल टू C इज इक्वल टू A। अच्छा अगर यहां मान लिया E जो है E टेंस टू जीरो आ जाएगा, E टेंस टू जीरो आ जाएगा, ये फोकस कहां की तरफ कन्वर्ज कर जाएगा, टूवर्ड क्या जाएगा सेंटर की तरफ, और ये कैसा होगा लाइक बिकम्स ए सर्कल। और इफ ई लेस देन, इफ ई, इफ ई टेंस टू वन देन द सेंटर मूव्स टूवर्ड द वर्टिसेस, टू वर्टिसेस इधर उधर एंड बिकम्स लाइक ए स्ट्रेट लाइन एंड बिकम्स विल बी इफ विल बी टू द वर्टेक्स और इट इज कॉल्ड टू द इक्वेशन। अच्छा फॉर दिस, अच्छा अब ये अभी मैंने क्या मानना था, अभी मानना था मैंने ये सी इक्वल टू ए भी मानना, इससे पहले मैं क्या पढ़ के आया था, इससे पहले क्या पढ़ के आया था मैं ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, क्या पढ़ के आया था मैं ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, सी स्क्वायर की वैल्यू रख दूंगा ए स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ए दोनों में से कॉमन ले जाए वन माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया वन माइनस ई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा वन माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसे ले जाएगा वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया वन माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर। E will be to the distance between foci upon major axis, upon major axis, E is equal to क्या होता है distance between foci and distance between two foci upon major axis, ये भी एक हम जो है एक फॉर्मूला निकाल लेंगे, यानी C इक्वल टू A क्या आ जाएगा यहाँ से, या फोकी क्या आ गई यहाँ से आ गई ए ई कोमा जीरो माइनस ए ई कोमा जीरो, तो डिस्टेंस कितनी आ गई ए ई प्लस ए ई कितना आ गया टू ए ई अपॉन मेजर एक्सेस क्या आ गया टू ए ए से गया क्या आ गया ये आएगा ए ई अपॉन 2a, a e upon 2a e upon 2a, यानी distance between focus and upon major axis is equal to the e, and e is equal to e square equal to 1 minus b square, e is equal to we have 1 minus b square upon a square का, ये भी एक आंसर आ जाएगा, ये भी एक इसका आंसर आ जाएगा। अब है लैटिस रेक्टम, अब क्या है लैटिस रेक्टम, लैटिस रेक्टम, लैटिस रेक्टम मीन ए लाइन
which is A. Lateral rectum of a ellipse have 2b square upon a square. Lateral rectum we have b square upon a square. Lateral rectum. Lateral rectum is p c1 p2 and q1 q2. With p1 p2 is equal to q1 q2 is equal to 2b square upon a. C1 p2 is equal to q1 q2 is equal to 2b square upon a. That is called the lateral rectum. If अच्छा ये इलिप्स कैसा था, ये एक्स एक्सिस था मेजर एक्सिस. अब इसका अगर उल्टा हो तो इससे क्या हो, इसका उल्टा हो, कैसे उल्टा हो, अब यह मेजर एक्सेल इज वाई एक्सेल एंड माइनर एक्सेल इज क्या, मेजर एक्सेल इज वाई एक्सेल एंड माइनर एक्सेल इज वाई एक्सेल. मेजर एक्सेल इज वाई एक्सेल एंड माइनर एक्सेल इज एक्स एक्सेल. Major axis is my axis. For this we have is such that it means is such that type is called this figure have we have is type. इस type we के figure क्या कहलाता है, ये इसकी directrix आ गई, इसकी directrix आ गई. That is focus is plus BA minus BAA. Directrix y is equal to plus minus BA हो गया. इसके major axis is यह आ गया. BB dash. Major axis is BB dash. Minor axis is मेजर एक्सिस बी बी डैश, माइनर एक्सिस ए डैश. एक्सट्रीमिटी ऑफ लैटिस रेक्टम इज
एक्सट्रीमिटी ऑफ लेटर रेक्टम इज, क्या दिया, प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, एंड टू बी स्क्वायर अपॉन ए. द लेंथ ऑफ द लेटर रेक्टम इज 2a square upon b, इसमें क्या आ जाएगा 2a square upon b, तो इसमें आ जाएगा प्लस माइनस a square upon b into b e. And this equation is, and for this equation is x square upon b square plus y square upon a square is equal to 1. A square is equal to 1 minus x square upon b square plus y square upon a square. A square is equal to b square, 1 minus square, where b is less than, b is greater than 1. Major axis is to be, major axis is to be, minor axis is 2a. That is called, that is a circuit which is symmetric on the y axis. इससे पहले जो कह रहा था वो था a circuit, a ellipse which is symmetric to the x axis. ये इस तरह की, जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगाते हैं एक छोटा सा, if we have the given here, given here x square plus a, x square upon a square plus k y square upon b square is equal to 1, then what is the, find find eccentricity E, find the eccentricity E whose lateral rectum is half of the major axis, whose lateral rectum is half of its major axis, whose lateral rectum is half, whose the major axis, major axis the. अच्छा, अगर ये क्वेश्चन है, इफ वी हैव ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन ई, लेटर रेक्टम क्या आ गया, टू बी स्क्वायर अपॉन ए, लेटर रेक्टम कितना आ गया 2b² / a, और ये कितना है इसका, इसका हाफ गिवन है, इसका हाफ इसके ए के इक्वल है, होज द लेटर सेक्टम हाफ इज द मेजर, इसे इज द फाइंड सेंटी लेटर सेक्टम हाफ द मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस इज इक्वल टू ए, मेजर एक्सिस इज इक्वल टू क्या आ गया ए, तो 2 बी क्या आ गया बी स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू ए, इसकी मींस क्या आ गया बी स्क्वायर अपॉन
a square equal to 1, b square a square equal to 1, और e square का फॉर्मूला क्या आता है, e square equal to 1 minus b square upon a square, 1 minus e equal to 0. For this eccentricity is मेजर एक्सेस का हाफ है ना, लैंड लेफ्ट एंड राइट एंड हाफ द मेजर एक्सेस, मेजर एक्सेस कितना आ गया 2a, कितना आ गया 2a, 1/2 2a आ गया, तो 1 b स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 1/2, b स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 1/2, b स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 1/a/2, b स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 1/2a/2, 1/2 इसकी वैल्यू रख दूंगा मैं, लेटर इसका हाफ करते हैं, मेजर एक्सेस 2a, तो इसे 2 से 2 गया, तो b स्क्वायर इक्वल टू a इक्वल टू 1/a, यहां से तो 2 b स्क्वायर a इक्वल टू a/2, b स्क्वायर a इक्वल टू a/2, a जाएगा b स्क्वायर a इक्वल टू 1-2, तो e स्क्वायर इक्वल टू 1/2, इसकी वैल्यू होगी e इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस हाफ वन अपॉन रूट टू, इसेंट्रिसिटी का आ गई प्लस माइनस हाफ रूट टू। अब अगला क्वेश्चन है, लेट पी एक्स वाई इज एनी पॉइंट ऑन इलिप्स लेट पी एक्स वाई इज एनी पॉइंट ऑन इलिप्स 16x² क्या 16x² प्लस 15y² 20 इक्वल टू 400 If f1 इसकी if f1 3 0 and f2 ये दो इसकी फोकल हैं, ये इसकी if one 3 0 and minus 3 इसकी फोकल हैं, then prove that prove that pf1 plus pf2 is equal to constant and find value. प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू बतानी है और इसके जो है क्या है इसकी, देखो क्या दे रखा है, गिवन है इसकी इक्वेशन क्या दे रखी है, इसकी इक्वेशन है पी एक्स 16x² इसको डिवाइड कर लिया
इसे काट दिया, क्या आ गया? फॉर्मूला क्या है? इनकी सबकी वैल्यू रख दी, वन माइनस ई स्क्वायर इसे एक काम कर लो, इसकी लेंथ ही निकालनी है तो ये कर लो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? ए इक्वल टू क्या आ गया? ए इक्वल टू थ्री, ए इक्वल टू क्या आ गया? थ्री आ गया, ए इक्वल टू क्या आ गया? थ्री आ गया, यानी प्लस माइनस। क्योंकि फोकस क्या आ गई? ये आ गया ए प्लस माइनस ए ई कोमा जीरो, यानी प्लस माइनस तीन जीरो। यानी कि सम ऑफ द पी फ्रॉम द फोकस, यानी पी एफ वन प्लस पी एफ टू, ये आ गया पी एफ वन प्लस पी एफ टू। पी एफ वन क्या आ गया? पी एफ वन क्या आ गया? सम ऑफ द फोकल डिस्टेंस फ्रॉम द वेरिएबल इज इक्वल टू द इज विल बी बता दो विल बी टू द क्या बोला मेजर एक्सल, मेजर एक्सल की इक्वल होगा। क्या होगा? मेजर एक्सल। मेजर एक्सल की वैल्यू कितनी होती है? 2a। मेजर वैल्यू कितनी है? 2a। बीस, बीस यूनिट कितनी है इसकी? एक वैल्यू 5 है, एक वैल्यू कितनी है? 5। देखो भाई क्या कह रहा है, द एक कोई ये इलिप्स है, इसकी मैंने ये निकाल लिया ए ई, तो प्लस माइनस ए इक्वल टू जीरो, यानी पी एफ वन प्लस पी एफ टू, यानी सम ऑफ द फ्रॉम द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट फोकस इज विल बी टू द कॉन्स्टेंट एंड विल बी इक्वल टू द मेजर एक्सल। तो पी एफ वन प्लस पी एफ टू इक्वल टू मेजर एक्सल टू ए ए ए ए मीन्स इक्वल टू क्या है? 5। ए मीन्स क्या याद है? 5 है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर है ना। ए इक्वल टू क्या है यहाँ से? 5। ए इक्वल टू क्या है? 5 है, दैट इज विल बी टू द 5, दैट इज विल बी टू द 5। ए इक्वल टू देन पी एफ वन इक्वल टू पी एफ टू इक्वल टू 10। तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? 10 होगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट टर्न पे फिर कंटिन्यू करेंगे इसको। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।